साथ के ही हैं मैडम ने ठोका आर्मी वाले को। हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा था और मेरे हाथों में दर्द हो गया था। और ये नया ₹1600 का ही के वाहन जो है चालक के लिए सुविधा ही हो उसे मंजिल तक ले जाए। हमने वाहन अपने एंजॉय के लिए है, परेशान होने के लिए नहीं लिया हुआ। गाड़ी के साथ के हैं बात के हैं साथ के ही हैं। हॉर्न भी बजाऊं? मैडम ने ठोका आर्मी वाले को। ये देख सकते हो मैडम ने बिल्कुल नहीं देखा और गिरा दिया। सॉरी कैमरा लेट में ऑन किया। एक्चुअली यहाँ आर्मी की यूनिट है यहाँ पे। वो मैडम जो है सीख रही है, उनको कुछ पता नहीं है। देख लो करोल बाग अभी दो दो नेशनल फ्लैग लगा दिए। वाह मजा आ गया देख के। एंट्री बहुत भारी। अभी दिल्ली को इतने टाइम बाद देख रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि यार दिल्ली नहीं छोड़नी चाहिए थी। जब बॉम्बे चला जाता हूँ तो ऐसा लगता है, और जब दिल्ली में आ जाता हूँ तो फिर बॉम्बे की याद आती है। चलो अपने पास दोनों शहरों का ऑप्शन है, एक अच्छी बात ये है। ओ चलो भाई करोल बाग। और क्या क्या इंस्टॉल करवाता हूँ बाइक में, चल के देखते हैं। लाइट मैंडेटरी है, टायर मैंडेटरी है, तो जैसा भी रहेगा वहाँ चल के जो है आपको बताते हैं। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ करोल बाग। टायर्स के बहुत बड़े क्या बोल सकते हो आप सेवक सो मैंने लिया इनसे टायर। फ्रंट का जो है CAT रिकमेंड किया है और वही अच्छा है। और दूसरी ये चीज़ बता देता हूँ, अभी ट्यूबलेस नहीं आ रहा है जैसे कि ये बता रहे हैं, अभी प्रोडक्शन में नहीं है, तो आपको ट्यूब वाला ही ऑप्शन है। बट वो एच रेटिंग का तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। हाँ ओके एंड गाइस दो जो लोग बाहर से आ रहे हैं मेरी तरह, तो आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे मेरा फ्रंट का जो है स्पोक जो है अलाइनमेंट कराना है इनका, तो उसके लिए भी हाँ ये देखो तिलक व्हील्स, तो ये हमारे मास्टर टायर्स। तो आप करोल बाग में आते हो तो सीधा यहाँ पे पहुँच जाओ, आपकी सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा अच्छे से। बहुत सारे ऑप्शन है टायर के, देख सकते हो। जिनको रैल्को डलवाना है रैल्को डलवा सकता है। ये पैटर्न है, ये नया पैटर्न आया है रैल्को में, ठीक है। चलें जी, तो बंदा भेजोगे मेरे नाल? भेज दो फिर। एंड गाइज आपको ये रेट जो है कहीं नहीं मिलेगा, सब यूट्यूबर्स ने यही बताया और मैं भी यही बता रहा हूँ, अलग से कुछ कहानी नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि जेन्युइन चीज़ मिलेगी आपको। और क्या है बाकी, मैं इनको पेमेंट कर देता हूँ। ये देख लो, ये देखो भाजी, तो ये 2300 में पड़ा मेरे को। सो गाइस ये देखो कमर में गले में लटका लिया है टायर, 25 नंबर तिलक टायर्स। एक्चुअली गाइस मैं ये टेम्परेरी काम कर रहा हूँ, उसके बाद जो है एक अच्छा ऑप्शन देखेंगे। सो भैया ये है 25 नंबर गली, देख लो ऐसे रहेगा। और ये सामने है तिलक व्हील, यही तो है अलाइनमेंट, ये है भैया। तो नमस्कार अंकल जी, अगे दा टायर करवाना है? हाँ जी अलाइनमेंट वास्ते ही तुहाडे कोल आया। और ऐसे होता है आपका अलाइनमेंट। काफ़ी पुराने बंदे हैं, देख लो फोटो देख लो। तिलक साइकिल बॉक्स, पहले साइकिल्स वगैरह मोटरसाइकिल कम ही यूज़ करते थे लोग पुराने ज़माने में, तो उस टाइम पे साइकिल के काम हुआ करते थे। अच्छा अभी जो है फिटिंग हो रही है, एक एडिशनल चीज़ और बता देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। अभी स्टे ट्यून, उसके लिए देखते रहो। टूल्स इंस्टॉल करूँगा एरॉइस में, तो मैं वो लेके आया हूँ। और कहाँ से बाय करना उसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो
पहले इनको निकालने दो टायर और फिर बताता हूँ। ये ऐसे ऐसे हो रहा था और मेरे हाथों में दर्द हो गया, पता टाइट पकड़ना पड़ रहा था ना हैंडल। हाँ जी वो तो तुम हम मास्टर बंदे हैं, तुम्हें तो सारा ही पता। क्लोजअप में दिखाने का ट्राई करता हूँ। हल्का सा बेंड है जो कि ऐसे से भैया ठीक कर देंगे उस प्रॉब्लम को और फिर गुड टू गो। हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा बोबल होती है बाइक, तो ये चीज़ करवाना मैंडेटरी है। सो गाइस आपने देख लिया, तो ये अभी डालेंगे और भैया जो अभी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं नया टायर नई ट्यूब और ये नया ये मास ऑटो करके कंपनी है जो कि नागपुर वाले हैं, ये नागपुर में है इनका कंपनी। तो अगर आपको चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हो तो आपको डिलीवर हो जाएगा। ये इसका कॉस्ट भी कुछ 1600 रुपीज़ है, तो आपको अगर चाहिए होगा तो आप मंगवा सकते हो। कई लोग जो हैं स्पैनर के साथ चालू हो जाते हैं, बड़े बड़े जो पेचकस होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं ये रिम के ये कॉलर जो होते हैं ना इसको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखो एकदम शेप में बना हुआ है और जहाँ जहाँ पे ये जो है पिन कर रहे हैं वहीं पे टायर जो है ईजिली अंदर जा रहा है। अभी देखो ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ रही। कई बेवकूफ़ लोगों को चूतियों को देखा होगा हथौड़े मारते हैं, कितना ईजी फिट हो गया। तो हथौड़े मारने वाले के पास ना जाए, सीधी बात। किसका वाले साइज की है? ये नहीं, ये लंबा है थोड़ा सा। सो ये थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस कर लें सो दैट जो है नया एक्सल डाल रहे हो ना, थोड़ा लुब्रिकेशन होना ज़रूरी है। इसको ना हल्का सा क्लीन कर लेना, स्पीडोमीटर बंद हो गया तो मेरे को लग रहा है ना कुछ कार्बन आ गया होगा, तो इसकी वजह से। कपड़ा है आपके पास? ये भी रखवाओ। हाँ ये तो महंगा दिया होगा ना। ये कितनी वाली है? 1600 रुपये का ये एक्सल। अरे भैया फिर ये बाहर से नहीं आएगा ना? अच्छा आ जाएगा क्या? ठीक है तो नए टायर के साथ जो है अभी जर्नी स्टार्ट करेंगे, कैसा रहता है वो भी बता दूंगा आपको। और ये देख लो तिलक व्हील अलाइनमेंट शॉप। हाँ ये मोबाइल नंबर है इनका, तो थोड़ा सा हल्का सा ना आगे से हैवी लुक आएगा इसका। ये इसके पैसे हैं बेसिकली, एक्सेल के नहीं है। हाँ तो यही बनाने के लिए तो लेती है ना जो कंपनी, अभी ऐसे काम करती है ना मॉडिफिकेशन में, उसके थोड़ा सा पैसे चार्ज करती है। चलो बाकी आपको बता दिया, अंकल का नंबर बार बार बता रहा हूँ और अंकल अंदर ही मिलेंगे आपको। मंडे को शॉप क्लोज होती है तो मंडे को आने का ट्राई ना करें अगर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, पहले बता दे रहा हूँ अंकल नहीं मिलेंगे, है ना? मंडे को बंद। ओके हम आपसे आपकी सेवा में हमें यही मिला हुआ है, हमें यही सिखलाई मिली है कि वाहन जो है चालक के लिए सुविधाई हो, उसे मंजिल तक ले जाए। हमने वाहन अपने इंजॉय के लिए है, परेशान होने के लिए नहीं लिया हुआ। इसलिए कोई भी, मैं तो कई बार बच्चों से मजाक करता हूँ, मैंने कहा भैया एक ही ड्राइवर, एक ही नाई रखो, एक ही डॉक्टर रखो और एक ही हेड ड्रेसर रखो और एक ही बीवी रखो करके मजा ला दो। तो ये बातें चलती रहती हैं, एक पे अटिक रहना चाहिए। ये नहीं कि कभी उधर का मकैनिक, कभी उधर का मकैनिक, एक मकैनिक को पता है इसमें क्या कमी है क्या, वहीं से पकड़ेगा वो। और अंकल ने जो बोला ना, एक नाई, एक सफाई, एक धुलाई और एक डॉक्टर और बीवी की बात तो मैं नहीं करूँगा, अंकल ही करेंगे। तो आओ यहाँ पे, आपको जो है मतलब सेटिस्फेक्शन काम मिलेगा। अगर एक बार चेक कर लोगे तो फिर आप लाइफ टाइम जो है यहाँ पे आते ही रहोगे, ठीक है? 25 नंबर गली के अंदर दुकान है। हाँ
ये की चीज़ याद रखो, बाहर किसी को भी पूछो कि 25 नंबर गली कौन है और 1500 नंबर हमारी शॉप का है, गली के अंदर दुकान, गली के जस्ट अंदर या अंदर मतलब घुसते हुए ये, किसी को बाहर पूछ भी लोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो ये देख लो, ये व्हील लटका दिख जाएगा आपको, तो आप सीधा ही चले आना अंदर। एक बार मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ आपको कैसे आना है, तो अभी निकलते टाइम पे तो बता देता हूँ, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच अंकल जी। और अभी जो है 10,000 किलोमीटर बताए, लेकिन जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो ट्रिप करने के बाद फिर आके जो है चेक करवाऊँगा, ठीक है। और बाकी बिग थम्स अप।